हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज इंटरनेट के माध्यम से जो आपकी स्वतंत्रता मिली हुई है आपको, उसके जो भी आपके दिमाग में सवाल आते हैं उन सभी के आंसर्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में से विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ, तब वहाँ इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई थी। ठीक है, तो अभी 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को जम्मू कश्मीर में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों जैसे सभी जरूरी जगहों पर इंटरनेट सेवा बहाल करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश देते हुए अदालत ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोलने की स्वतंत्रता एक अनिवार्य तथ्य है। बात करते हैं परिचय इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट तकनीक के विकास के शुरुआती दौर में किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह एक ऐसा आविष्कार होगा जिससे मानव सभ्यता का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा। प्रारंभ में इसका विस्तार विकसित देशों के पक्ष में ज्यादा था, पर जैसे जैसे तकनीक का विकास होता गया, इंटरनेट ने विकासशील देशों की ओर रुख करना शुरू किया और नई नई सेवाएं इससे जुड़ती चली गईं। आज इंटरनेट के बगैर जीवन की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। जम्मू कश्मीर में लगी इंटरनेट की पाबंदी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी यही इशारा करती है कि अब इंटरनेट महज एक तकनीक भर नहीं रहा, बल्कि हमारे जीवन शैली का एक अंग बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट के जरिए अभिव्यक्ति एवं की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के तहत मौलिक अधिकार है। याद रखना है, पूछ लेता है कई बार आंसर राइटिंग में आपको ये पॉइंट डालने के लिए हो जाते हैं। अनुच्छेद 19(1) का के तहत मौलिक अधिकार मिला हुआ है इंटरनेट के जरिए अभिव्यक्ति का। इंटरनेट के जरिए कारोबार करने के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(6) के तहत संविधानिक संरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, इंटरनेट को एक तय अवधि की जगह अपनी इच्छा अनुसार लंबे समय के लिए बंद करना टेलीकॉम नियमों का उल्लंघन है। स्कूल कॉलेज और अस्पताल जैसे जरूरी सेवाओं वाले संस्थानों में इंटरनेट बहाल किया जाना चाहिए। इंटरनेट अब सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि हमारा पूरा सामाजिकरण उसी से निर्धारित हो रहा है। यह जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था। सरकार ने इसके साथ ही सुरक्षा कारणों के मद्देनजर रखते हुए सभी तरह की पाबंदियां लगा दी थी। इसमें इंटरनेट और धारा 144 को लागू करना भी शामिल था। सरकार द्वारा कई संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू भी लगाई गई थी। जम्मू कश्मीर इन पाबंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल कर की गई। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, अनुराधा वेसिन और कई अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के प्रतिबंधों के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इंटरनेट, मोबाइल कॉलिंग सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाया है, जिसको लेकर जस्टिस एनवी नबत्रा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 19 और इंटरनेट को रोकने की प्रक्रिया। ठीक है, अनुच्छेद 19 और इंटरनेट को रोकने की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की बात करता है। अनुच्छेद 19(1) के तहत निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त हैं: सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार किसी जगह शांतिपूर्ण इकट्ठा होने, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय अपना पेशा अपनाने या व्यापार करने का अधिकार। इन अधिकारों के तहत मांग उठती रही है कि इंटरनेट के उपयोग को मौलिक अधिकार घोषित किया जाए, जिसको लेकर समय समय पर प्रदर्शन भी किए गए। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट एक्सेस नागरिकों का एक हक है।
हालांकि बावजूद इसके इंटरनेट पर कई पाबंदियां लगाई गई हैं। भारत में इंटरनेट सेवाएं रोकने के लिए अभी दो कानूनी प्रावधान और एक नियमावली है। एक कानून है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और दूसरा है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 और 2017 का टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स। इनके आधार पर ही सरकारी एजेंसियां भारत के जिलों या राज्यों में इंटरनेट बंद करने का फैसला करती हैं। इसकी अपनी ही पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत केंद्र सरकार राज्य के गृह सचिव इंटरनेट पर रोक लगाने का आदेश देते हैं। यह आदेश एसपी या उसके ऊपर के रैंक के अधिकारी के माध्यम से सेवा प्रदाता को भेजा जाता है। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जहाँ मौलिक अधिकारों की बात करता है, वही अनुच्छेद 19(2) के तहत इन अधिकारों को सीमित भी किया गया है। अनुच्छेद 19(2) में, याद रखें, 19(1) में मौलिक अधिकारों की बात करता है, वह अनुच्छेद 19(2) में अधिकारों को सीमित भी किया गया है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को नुकसान नहीं होना चाहिए। इन तीनों के संरक्षण के लिए अगर कोई कानून है या बन रहा है तो उसमें भी बाधा नहीं आना चाहिए। बात करते हैं इंटरनेट पर संयुक्त राष्ट्र का दृष्टिकोण। संयुक्त राष्ट्र ने भी सभी देशों में लोगों के लिए इंटरनेट को मौलिक अधिकार बनाने की सिफारिश की है। कोस्टारिका, इस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, स्पेन में इंटरनेट को नागरिकता का मौलिक अधिकार घोषित किया जा चुका है। इन देशों ने अपने संविधान में इसे चिन्हित किया है। भारत और पाकिस्तान के बाद जिन देशों में इंटरनेट बंद किए जाने के सबसे अधिक मामले सामने आए उनमें 7 हैं। इराक 7 बार, यमन 7 बार, इथोपिया 6 बार, बांग्लादेश 5 बार और रूस 2 बार शामिल है। ठीक, उल्लेखनीय है कि रूस की सरकार एक राय का समांतर इंटरनेट बना रही है, एक तरह का जो केवल रूस की सीमाओं में ही उपलब्ध होगा। तब रूस की सरकार का लोगों के इंटरनेट इस्तेमाल करने पर पूरा नियंत्रण होगा। वहीं चीन में सरकार या देश विरोधी कंटेंट रोकने के लिए नाम पर कई फिल्टर लगाए गए। चीन ने कई वेबसाइटों पर भी रोक लगा दी है। अब हम लोग बात करते हैं वैश्विक स्थिति की। कोस्टा रिका, इस देश में सुप्रीम कोर्ट पहले ही सूचना प्रौद्योगिकी इंटरनेट को नागरिकों के मौलिक अधिकार बता चुका है। एस्टोनिया, इस यूरोपीय देश ने 20 साल पहले वर्ष 2000 में ही देश के हर हिस्से तक इंटरनेट पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू किया था, तभी इंटरनेट को मूलभूत मानवाधिकार बताया था। फिनलैंड, आपका एक दशक से भी पहले फिनलैंड ने 2010 तक देश के हर इंसान तक MB/1 MB प्रति सेकंड स्पीड ब्रॉडबैंड की पहुंच देने का फैसला किया था, जबकि 2015 तक हर किसी तक 100 MB प्रति सेकंड स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन देने की तैयारी कर ली थी। फ्रांस, आपका यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय इंटरनेट को लोगों के मूलभूत अधिकार घोषित कर चुका है। ग्रीस, यहाँ के संविधान के अनुच्छेद 15(a) में सभी को सूचना समाज में शामिल होने का अधिकार दिया गया। फिर स्पेन, इस देश को में यहाँ रहने वाले हर इंसान को उचित कीमत पर कम से कम 1 MB प्रति सेकेंड स्पीड ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। बात करते हैं हम लोग इंटरनेट महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, इंटरनेट महत्वपूर्ण क्यों है। वर्तमान समय में इंटरनेट के महत्व को निम्न बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है। आज इंटरनेट ने लोकाचार के तरीकों को बदल दिया है। बहुत सी परंपराएं और बहुत सारे रीति रिवाज अपना रास्ता बदल रहे हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार वैवाहिक वेबसाइटों पर 2013 में 8.5 लाख प्रोफाइल अपलोड किए गए, जिनकी संख्या 2014 में 19.6 लाख हो गई। भारत में ऐप के माध्यम से घर में बने खाने का तेजी से बढ़ता व्यापार, बदली जीवन शैली, बढ़ता मध्यम वर्ग और कामकाजी महिलाओं की संख्या में इजाफा और दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा स्मार्टफोन धारकों की उपस्थिति से कुछ ऐसे कारक हैं जिनसे घर पर खाना बनाने की प्रवृत्ति प्रभावित हुई है। बोस्टन
ग्रुप के अनुसार भारत में खान पान का बाजार 2014 में 23 लाख करोड़ रुपए का था, जो इंटरनेट के प्रभाव और इस्तेमाल से 2020 तक 42 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। आज इंटरनेट जागरूकता साबित हो रहा है उन संगठनों के लिए भी वरदान है जिनके पास लोगों को संगठित करने के लिए विशाल संसाधन नहीं है, जिन लोगों के पास ना तो समय है ना ही किसी खास विचारधारा की प्रतिबद्धता, वे भी किसी धरने या समूह में जा सकें, वे हैशटैग के माध्यम से तर्क वितर्क का हिस्सा बन रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर चलने वाली दिशाहीन बहसें जटिल मुद्दों को व्यवस्थित कर एक नया आयाम जोड़ रही हैं। ठीक है, आज भारत में परंपरागत बाजार को ऑनलाइन शॉपिंग कड़ी टक्कर दे रहा है। ऑनलाइन खुदरा व्यापारियों के पास हर सामान उपलब्ध है, किताबों से शुरू हुआ है यह सिलसिला, फर्नीचर, कपड़ों, किरानों के सामान से लेकर फल सौंदर्य साधन तक पहुंच गया है। स्नैपडील कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऑनलाइन बाजार 800 अरब डॉलर का है, जो लगातार बढ़ रहा है और 2025 तक लगभग 2000 अरब डॉलर का हो जाएगा। समय आ गया है कि सरकार आपात स्थिति में इंटरनेट बंद करने के इतर विकल्पों पर विचार करे, क्योंकि इंटरनेट अब समाज का एक आवश्यक अंग बन चुका है। इसके अतिरिक्त इंटरनेट ने राजनीति एवं लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने में मदद की है। इसके साथ ही बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर प्रदान करने के सरकार के प्रयासों को भी बढ़ावा दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान में लगभग सभी अपनी समस्याओं और प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम गूगल पर ही सर्च करना पसंद करते हैं। यह भारतीय समाज को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से एकत्रित करने में सहायक है। इंटरनेट से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उन विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षा का विकल्प खोल दिया जिनके पास अब तक इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। सभी सेवाओं को ऑनलाइन कराने के से सरकार की लागत में कमी को भी सुनिश्चित किया गया। यह सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाता है, साथ ही सरकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में सहायक हो सकता है। अब इसकी चुनौतियां भी देख लेते हैं। आपने फायदे तो देख लिए, चुनौतियां क्या क्या है। जहां इंटरनेट ने भारत को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वहीं इसके मार्ग में कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जिसके जिक्र किया गया नीचे बिंदुओं में। विगत कुछ वर्षों में कई निजी और सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप प्रदान किया गया, जिनमें से कुछ तो सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से उन लोगों को असमानता का सामना करना पड़ता है जो डिजिटली रूप से निरक्षर हैं। दुनिया भर के तमाम देशों में अलग अलग कारणों से इंटरनेट पर पाबंदी लगती रही है। विदेशों के साल 2019 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश भारत ही है। इंटरनेशनल टाउन्स डॉट इन के मुताबिक 2012 से लेकर 2019 तक भारत में 379 बार इंटरनेट बंद किया गया। सबसे अधिक प्रतिबंध जम्मू कश्मीर में 180 बार लगाया गया। केवल 2019 में 103 बार इंटरनेट को बंद किया गया। सोल संस्था टॉप बीपीएस के मुताबिक इससे भारत को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। भारत को करीब 1.3 बिलियन डॉलर यानी करीब 92,18,75,50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। केवल जम्मू कश्मीर में करीब 78,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं संदर्भ में एक प्रस्ताव पास कर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सूचना के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट पर पाबंदी की कड़ी आलोचना की है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि ऑनलाइन दुनिया में उतनी ही अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए जितनी कि ऑफलाइन दुनिया में होती है। आज हम कई चीज़ों के लिए इंटरनेट पर निर्भर करते हैं। इसको बंद करने के लिए दिए जाने पर व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से प्रताड़ित होता है। शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट शटडाउन का सबसे ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव देखा गया। छात्र उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने से चूक जाते हैं। विश्वसनीय सूचना बुनियादी ढांचे और डिजिटल साक्षरता की कमी से उत्पन्न होने वाले डिजिटल विभाजन सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का भी कारण बन रही है।
गौरतलब है कि डिजिटल विभाजन को पूरे भारत, ग्रामीण और शहरी भारत, अमीर और गरीब भारत की जनसंख्यीय प्रोफाइल, बूढ़े और जवान, पुरुष और महिलाएं के बीच देखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 के मध्य में जारी एक रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत में डिजिटल साक्षरता की दर 10% से भी कम है। इंटरनेट के प्रसार के समक्ष एक अन्य सबसे बड़ी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। ठीक, अब बात करते हैं आगे की राह क्या हो। कहा जा सकता है कि इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मौलिक अधिकार का रूप देना डिजिटल असमानता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विदित हो कि सन की मार्च 2017 में केरल ने हर नागरिक के लिए भोजन, शिक्षा की तरह इंटरनेट को भी मूलभूत अधिकार की श्रेणी में रखा है। अपने बजट में इस राज्य ने अपने 20 लाख गरीब परिवारों तक इंटरनेट की पहुंच देने के लिए योजना बनाई थी, फंड आवंटित किया गया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान फैसला सराहनीय है। निम्न बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। इंटरनेट का उपयोग और डिजिटल साक्षरता एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है, अतः डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ साथ डिजिटल कौशल विकास प्रदान करने पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। केंद्र तो व राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दे, साथ ही देश में दूर संचार नियमों को और अधिक मजबूती प्रदान करे ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके। डिजिटल साक्षरता की परिभाषा में वर्तमान समय में संसाधनों और सूचनाओं को ऑनलाइन देखने और उन तक पहुंच की क्षमता को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार को इंटर भारत नेट कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर चलाना चाहिए। विदित हो कि इस परियोजना का उद्देश्य राज्यों तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों एवं संसाधनों को सुलभ ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराना। इस कार्यक्रम का वित्त पोषण यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार को राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन को भी प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि यह परियोजना तकनीकी दृष्टि से निरक्षर वयस्कों की मदद करता है ताकि वे तेजी से डिजिटल होती दुनिया में अपना स्थान खोज सकें। तो चलिए, ये था अपना इंटरनेट से संबंधित आपके जो भी क्वेश्चन थे। मुझे लगता है कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ठीक है।